मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीआईएस समिट के संबंध में यूएसए के उद्योगपतियों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी से चर्चा की। शिवराज ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सभी को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, निवेश के लिए जो चीजें चाहिए वह सारी मध्य प्रदेश में है। इस मौके पर कई बड़े उद्योगपति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीआईएस समिट के संबंध में यूएसए के उद्योगपतियों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी से वीसी के माध्यम से चर्चा की, जिसमें उद्योगपति जितेंद्र मुछाल, राकेश भार्गव, पुनीत सिंघल, आबिद नीमचवाला, अमित भंडारी, सुनील नायक, सुधीर पारिक, हेमाजी समेत कई उद्योगपति मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदा भरपूर है। बिजली, सड़क, पानी सहित उद्योग के लिए समस्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश पावर सरप्लस राज्य है। हम मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। फार्मा सेक्टर में मध्य प्रदेश ने बहुत बेहतरीन काम किया है। लगातार इस सेक्टर पर हम फोकस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। पहले चंबल में जहां डाकू थे, वहीं अब हम वहां अटल प्रोग्रेस वे बना रहे हैं। उन्होंने कहा, आप सभी निवेशक मित्रों का मध्य प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रदेश है। हम हार्टलैंड ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं देश के दिल हैं, देश के मध्य में उपस्थित है। और मध्य प्रदेश वन संपदा, खनिज संपदा, जिसका जिक्र संधु साहब ने भी किया, जल संपदा, जन संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर प्रदेश। सीएम शिवराज ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सभी को आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा, आप मध्य प्रदेश घूमने भी आइए, आपका स्वागत है। निवेश के लिए जो चीजें चाहिए वह सारी मध्य प्रदेश में है। हमारे पास 1.5 लाख हेक्टेयर का लैंड बैंक है, जमीन की कोई कमी नहीं है। उसका नाम आपने सुना ही होगा, देश में तो जाना जाता, दुनिया में जाना जाता, हमारा बासमती राइस यूएसए और कनाडा में भी धूम मचाता है। हमारा जो अन्न का उत्पादन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मनीष ने आपको बताया कि अलग अलग सेक्टर्स में हम कैसे बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश क्यों, हर एक जानना चाहता, कुछ चीजें मनीष ने बताई, लेकिन मैं फिर एक बार जोर देके कहना चाहूंगा। शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश इन्वेस्ट फ्रेंडली प्रदेश है। निवेशकों की राह में जो भी बाधाएं आती हैं उन्हें दूर करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है और अब हम चीता स्टेट भी हो गए हैं। मध्य प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में अनेक कंपनियां यहां काम कर रही हैं। इसे आगे बढ़ाया और मैनमेड फाइबर और रेडीमेड गारमेंट्स अपने फोकस का क्षेत्र बनाया। मुझे बता दो, प्रसन्नता है कि पिछले 4-5 वर्षों में, चाहे पंजाब से हो या साउथ से हो, कर्नाटक से, त्रिपुर से, जितनी बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स की अलग अलग कंपनीज है, टेक्सटाइल के क्षेत्र की कंपनीज है, पंजाब से भी सारी मध्य प्रदेश आई है। वो वर्धमान हो, ट्राइडेंट हो, अलग अलग अनेकों ग्रुप, त्रिपुर की भी जो यूनिट्स है वो काफी तेजी से मध्य प्रदेश में आ रही है। और इसलिए हम इसको, फिर हमारा एक्सपोर्ट यूएसए को भी काफी हो रहा है, गारमेंट्स के सेक्टर में, टेक्सटाइल के सेक्टर में। मैं ये मानता हूँ कि जो पॉलिसीज है हमारी, बाकी विशेषता मैंने बताई, जमीन की उपलब्धता से लेकर, पावर की उपलब्धता से लेकर, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे लिबरल और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी के कारण लोग यहाँ निवेश कर रहे हैं। भारत के तो कई कंपनियां आ ही रही है, हमारे यूएसए के मित्र भी यहाँ निवेश कर सकते हैं। विस्तार से पॉलिसीज के बारे में हम आपको पेन ड्राइव भी भेजते हैं और जब आप यहाँ आएंगे तब हम विस्तार से चर्चा करें। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट तो पहले से ही था, लेकिन हम टाइगर स्टेट भी हैं, लेपर्ड स्टेट भी है, वल्चर स्टेट भी है और अब चीता स्टेट भी हो गए। सचमुच में अद्भुत प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिसमें निवेश की अपार संभावना है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नाते मैं और पूरी टीम
लगातार ये प्रयत्न कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश इसके पहले कृषि के क्षेत्र में काफी आगे माना जाता, हम एग्रीकल्चर में देश में नंबर वन हैं। संधू साहब जानते होंगे कि वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।